सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों नमस्कार, आज आप जो डिजाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल एक छोटा डिजाइन है और एक आम आदमी के बस का डिजाइन है कि काश को आम आदमी बनवा सकता है बिल्कुल लो बजट में। देखिए जो साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में पूरी चीजें आपको बताऊंगा आज, और इसका जो साइज है, इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, और उसके ऊपर आप कितना बजट खर्च करके आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये जो डिजाइन है देखिए 12x24 फीट में है, 12 फीट की जो चौड़ाई है सामने से, और जो लंबाई है 24 फीट है, और देखिए नीचे से 24 फीट है, ऊपर 3 फीट एक्स्ट्रा ये आ गया है, ऊपर से 27 फीट हो जाता है 3 फीट जो बालकनी आने के बाद। तो ये एरिया है, इस एरिया में आप एक अच्छा बजट हाउस कैसे बना सकते हैं वो बताऊंगा मैं। और दोस्तों देखिए जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े सिटी हैं उनके अंदर स्पेस लोगों के पास काफी कम होता जा रहा है, जितना बड़ा शहर होता जाएगा उतना ही लोगों के पास जमीन कम होती जाएगी, ये एक नेचुरल सी बात है। अब सिटी में जितने लोग हैं सभी के पास देखिए काफी ज्यादा एरिया नहीं होता है, स्पेस नहीं होता है, तो छोटे छोटे घर भी होते हैं ज्यादातर लोगों के पास। उन लोगों के लिए ये जो डिजाइन है मैंने बनाया है वो कि कम स्पेस में एक अच्छा डिजाइन आप कैसे बना सकते हैं। देखिए 12x24 फीट बिल्कुल कम होता है, तो उस स्पेस में आप डिजाइन कैसा बना पाएंगे वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। सबसे पहले दोस्तों ये देख लें, आप यहाँ पे दीवारें आप कॉलम पे निकालें, आप जैसे भी निकालें वो आपका चॉइस है कि आप कैसे उसको मेंटेन करना चाहते हैं, दीवारें कॉलम से निकालेंगे या सिर्फ ईंटों से बनाएंगे, तो वो आपने सोचना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिजाइन है यहाँ पे मैंने जो वॉल ली है इसकी 9 इंच की ली है, चारों तरफ से 9 9 इंच, अंदर की जो दीवार है वो 4 इंच की रखी है क्योंकि अंदर इतना लोड नहीं आएगा, काफी कम स्पेस है इसलिए आप 4 इंच रख सकते हैं, तो जो लोड आएगा पूरा बिल्डिंग का वो चारों तरफ की दीवारें जो 9 इंच इनके ऊपर आएगा। अगर कॉलम बना देते हो तो और भी ज्यादा आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, यहाँ पे आपकी मतलब लोड ज्यादा नहीं होगा फिर इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं जो खिड़कियां दरवाजे 4 फीट 5 फीट की रख रखे हैं, कहीं अंदर के जो दरवाजे हैं 3.5 फीट के भी हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो अंदर से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या। देखिए यहाँ पे 7x6 की हमारे पास 6 फीट चौड़ाई और 7 फीट लंबाई, इसको 8 फीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो किचन है फ्रंट में हमने किचन रखा है यहाँ से, और यहाँ से ये खिड़की रख दी है हवा के लिए, ऊपर रोशनदान रखे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने खुला रखा है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये प्लान है, आप इसमें थोड़ा फिर बदल कर सकते हैं। ये मैंने एक लंबा रूम रख दिया है और जो यहाँ तक ये रूम जो है पीछे नीचे सीढ़ियों के नीचे तक है। अब ये रूम की लंबाई का कारण मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से जो दीवार है इसको भी कंप्लीट करके आप एक पीछे छोटा रूम बना सकते हैं, और यहाँ पे जो जगह बचेगी अगर चाहें तो टॉयलेट या बाथरूम आप यहाँ पे बना सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं जरूरत है यहाँ पे नीचे नहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर तो ना बनाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है जो मैंने ऊपर बनाए हैं, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा, ऊपर मैंने जो है टॉयलेट बाथरूम का अलग से स्पेस बना दिया, वहाँ पे आप टॉयलेट बाथरूम यूज कर पाएंगे, वो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट में अभी थोड़ी देर बाद। तो ये एक सिंगल बेड आ जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए जो अंदर का एरिया जो रूम है आपका काफी लंबा होने के कारण यहाँ पे देखिए जो आपके डेली यूजेज की चीजें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंगल आदमी के लिए यहाँ पे एक बेड भी है, और सीढ़ियों के नीचे भी काफी जगह स्टोरेज एरिया भी इसको आप बना सकते हैं रूम के साथ साथ, क्योंकि देखिए जो किचन का सामान है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, किचन के अंदर तो सारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो आपका डेली यूज में जो किचन में होता है वो चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो हुआ नीचे का डिजाइन दोस्तों हमारा, और यहाँ पे देखिए 4 फीट की जो मैंने गैलरी रखी है, आप लॉबी बोले इसको या गैलरी बोले, यहाँ से बिल्कुल सामने से बिल्कुल सीढ़ियों की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे और जो मैंने सीढ़ियाँ रखी है वो 3 फीट चौड़ी है, आप इसको बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर चौड़ाई आपको ज्यादा चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ से एल टाइप की हमने सीढ़ियाँ रखी है। और ऊपर अब मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ ऊपर का पोर्शन जो है वो फर्स्ट फ्लोर कैसे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का फ्रंट देख लें आप, फ्रंट में आप इस टाइप का डिजाइन बना सकते हैं, अगर आप चाहें आपकी नजर में कोई अच्छा हो तो वो डिजाइन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास एक रूम हो जाएगा 10 फीट का, आप यहाँ पे अगर ज्यादा चाहें थोड़ा बहुत ज्यादा भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे रूम काफी बड़ा बेडरूम बना सकते हैं इसको आप। और यहाँ पे दोस्तों बेडरूम के साथ लगता ही यहाँ पे 7x4 फीट का जो एक टॉयलेट बाथरूम कंबाइन हो जाएगा, आप ग्लास लगा सकते हैं टॉयलेट सीट के साथ, यहाँ पे अलग से यहाँ पे आपका वॉश बेसन लग जाएगा यहाँ पे लगाना चाहें तो। और यहाँ पे आप देखिए लिविंग के लिए अगर आप चेयर भी रख सकते हैं, यहाँ पे जो सोफा रखा चेयर भी रख सकते हैं। तो ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन है हो गया। अब दोस्तों देखिए मैं क्या होता कई बार छत को ऊपर से बंद कर देता, तो मेरे पास ज्यादातर लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर कि या आप कंप्लेंट कहीं उसको
कि ऊपर जाने का रास्ता आपने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इसके अंदर जो सीढ़ियां हैं, जो सीमेंटेड सीढ़ियां, वो लगाऊंगा तो ज्यादा टाइम और ज्यादा स्पेस की बर्बादी होगी। तो अगर आप इसके ऊपर और बिल्डिंग नहीं बनाना चाहते, तो यहाँ से आप देखिए, जो वुडन जो एक यहाँ पे हमें लैडर होती है, वो आप लगा के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से इस टाइप से अगर आपको ऊपर टेरेस पे जाना है, तो उसको कुछ काम के लिए, या आपके पानी के टैंक वगैरह जो कुछ भी काम करना है, ऊपर जाके अपने आप यहाँ से जो लैडर है वो लगा सकते हैं दोस्तों। और देखिए इसमें फायदा क्या होगा, इसमें स्पेस भी आपको बिल्कुल नहीं ज्यादा लगेगा और आसानी से आप ऊपर नीचे जा सकेंगे। तो चलिए मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपका पोर्शन कैसा रहेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर आने के लिए रास्ता है, और इस जगह को आप यूज कर पाएंगे, पानी का टैंक लगाएं, या फिर आप अपने जो क्लॉथ्स वगैरह हैं उनके लिए आप यहाँ पे हैंगर बना सकते हैं सुखाने के लिए। तो जो जैसा भी आप इसका यूज आप करना चाहें, वो ऊपर की छत का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिजाइन था, वो था 12x24 फीट में। और ये डिजाइन आपको कैसा लगा, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आम आदमी के बजट का डिजाइन है। देखिए दोस्तों, इसका बजट जो है लगभग 3 से 5 लाख में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, अच्छा फुली डेकोरेटेड इसको बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको इससे ज्यादा और कुछ जानकारी लेनी, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।